ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। काफ़ी लंबे समय के बाद हम वापस आ चुके हैं, तो आपको पता है कि मैं अभी हॉस्टल में हूँ और घर पे नहीं हूँ, तो वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट क्योंकि आज मैंने मौका निकाल लिया है और मेरे कमरे में काफ़ी शांति है, तो मैंने सोचा है कि इस मौके का फ़ायदा उठा करके जो हमारी पेंडिंग वीडियो है Q&A वाली, जिसमें कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसको हम आज कम्प्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपके सवाल होने वाले हैं और मेरे जवाब होने वाले हैं, तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चंस लेने वाली हूँ वो सारे मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट से हैं, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं कौन से क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से पूछती हूँ। ठीक है, तो यार क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं कि आपकी गिग कौन सी है। तो जैसे कि मेरी गिग जो है अगर सोशल मीडिया वाली है, तो मैं पूछूंगी आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी होगा। और इसके अलावा फिर उसके बाद आपको कितना, मतलब उनकी कलर थीम होगी, अगर आपके ब्रांडिंग कलर्स हैं तो आप वो प्रोवाइड कर दीजिए। क्या आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कोड्स या कंटेंट जो आप दो वो मैं यूज़ करूँ, या फिर मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँ। तो जो चीज़ें मुझे लगती हैं उस टाइम पे नेसेसरी, जो मुझे प्रोजेक्ट में बनाते समय मतलब मद्देनजर रखनी होती है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं पूछ डालती हूँ एक बार में। और इसके लिए एक आपके लिए मेरे पास एक टिप है कि यार अपने क्वेश्चन ना लिस्ट आउट कर लिया करो पहले से, कि हर बार प्रोजेक्ट बनाते तो पता होता है ना कि क्या क्या डाउट आते हैं, कि भाई क्या सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन लिखा करो और उसका जो है क्विक रिस्पॉन्स बना लिया करो, और जब भी आप जो है बायर से बात करो तब उसको भेज दिया करो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई मैनेज माई स्टडीज विद दिस यूट्यूब फ्रीलांसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार कुछ मैनेजमेंट नहीं है इसके लिए, हम ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ना थोड़ा सा शेड्यूल बताऊंगे कि क्या चल रहा है। तो यार इसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, मेरा डेली शेड्यूल है। थोड़ा बहुत आपको टाइम, आपके पास 24 घंटे ही हैं, उसको निकालना पड़ता है, उसमें से अपना टाइम टेबल थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। शायद आपका कहना चाहिए आपका टीवी का टाइम जो होता है, या आपका जो फन टाइम होता है उसको कम करना पड़ेगा, या फिर स्लीपिंग टाइम जो होता है उसको थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ती है, ताकि आप जो ज़्यादा समय है बाकी की चीज़ों में दे पाओ जिनसे आपको फ़ायदा हो रहा है या जो आपके लिए अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी स्किल है जो 3-6 महीने में सीखी जा सकती है। तो यार 3-6 महीने में तो बहुत सारी स्किल सीखी जा सकती है, मतलब 6 मंथ इज़ अ क्वाइट गुड टाइम पीरियड, तो उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हो, बस ये है कि प्रैक्टिस मांगती है। सीख तो बंदा 1 महीने में भी सकता है, बट उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन गर्ल्स बॉयज़ एवरी वन परफेक्ट। ओके, अभी खुद कुछ 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला ये कि क्या हम डिलीट कर देना चाहिए गिग अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल डिलीट नहीं करना चाहिए। क्या आवश्यकता डिलीट करने की, इतनी मेहनत से बनाई है उसको एडिट करो, उसको बेटर करो। ठीक है, डिलीट करके नई बनाने से क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, उसको एडिट करके बेटर करो। हाँ, दूसरी नई गिग भी बना सकते हो, पर उसको डिलीट करने की क्या ज़रूरत है। आपके पास 7 ऑप्शंस हैं ना, आप 7 गिग्स बना सकते हो ना, तो फिर क्या ज़रूरत है। एक ही नीश के ऊपर क्या मल्टीपल गिग्स बनाना सही होगा, तो हाँ बना सकते हो यार। आप अपना एरिया अलग अलग रख सकते हो, कि आपने एक जो है इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, एक फेसबुक पोस्ट के लिए, एक पूरी जितनी भी पोस्ट है उनके लिए, इस तरीके से। वो आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू, आपको कैसे करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पे कैसी गिग्स दिखानी है। ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। यार इंस्टाग्राम की लिंक का अगर आप पूछ रहे हो कि आप दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो अपना पर्सनल कुछ भी मत ही दो, खाली पोर्टफोलियो एक वेबसाइट है वो दे दो, और फ्री में वेबसाइट कैसे बनाते हैं मैंने उसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है और दिया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है, तो वो देख लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं। मतलब एक स्टेप बताई हुई एकदम स्टार्टिंग से। आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो आप वीडियो फॉलो करो, आपका सैम्पल बन के तैयार हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है, मतलब बेस्ट है। उसमें ज़रूर आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल सारा कुछ लिंक करके दे सकते हो, और वेबसाइट की लिंक देने में कोई बुराई भी नहीं है, तो अपना पोर्टफोलियो के तौर पर आप दे सकते हो। ठीक है, IG का आई वोंट सजेस्ट, मुझे नहीं पता है उतना, लेकिन उसके बाद भी मैं मना ही करती हूँ कि अभी मत करो ऐसे, मत अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल, ये सब कुछ मत डाला करो। हाँ, वेरिफिकेशन के टाइम पे ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट के लिए या ज़्यादा बायर्स के लिए ये सारा कुछ करना ठीक नहीं है, तो उसको मत भेजना, मतलब मत डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। तो क्योंकि मैं करती हूँ, तो इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग, और मैं वीडियो एडिटिंग भी काफ़ी पसंद करती हूँ, लेकिन दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए मुझे बोलोगे तो मैं ग्राफिक डिजाइन चूज करती हूँ। हाँ, और अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना होगा तो मैं वीडियो एडिटिंग सजेस्ट करूंगी। ठीक है यार, मेरी फर्स्ट गिग मैंने कैसे प्रिपेयर की और मुझे कैसे पता चला कि वो बेस्ट है, तो अगर इज्जत से बताया जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो बेस्ट है कि नहीं है, और मैंने किसी से राय लेना ज़रूरी भी नहीं समझा। मुझे लगा कि डाल देना चाहिए और मैंने डाल दी। और अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी हो, पूरी कथा सुननी हो कि भाई कैसे पहला ऑर्डर मिला, मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मैंने कैसे कैसे बनाया, कैसे कैसे आगे बढ़े, कितने अकाउंट हैं, क्या है ये वो, तो उसके लिए मैंने अपनी ऑलरेडी स्टोरी बताई हुई है पूरी कम्प्लीट, कि माई फर्स्ट ऑर्डर स्टोरी। ठीक है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। कैन आई डू फ्रीलांसिंग एज अ फुल टाइम करियर? यस यू कैन, बट इट्स अप टू यू, इट्स नॉट स्टेबल। तो यार आपके ऊपर है भाई, क्योंकि ये ना
यार आपके ऊपर है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, मतलब आपको क्लाइंट कभी मिल रहे हैं कभी नहीं भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपका किसी कंपनी से अच्छी टाई अप हो जाता है और उसके बाद आपके पास रेगुलर काम आता है और आपको लगता है कि इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर है तो आप जरूर जा सकते हो। कई लोग कर रहे हैं यार फ्रीलांसिंग अपना फुल टाइम करियर के रूप में, तो वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि भाई उनको किसी भी नॉर्मल जॉब से ज्यादा मिल रहा हो। तो आप अपने आप को पहले उतना लेवल पे ले आओ और उसके बाद उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर मुझसे कोई टीनेज स्टूडेंट पूछेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं मना कर दूंगी, 20-21 साल के बच्चे को भी मना कर दूंगी, भाई ग्रेजुएशन होने जाने दो, थोड़ा बहुत अपना आपको खुद समझ में आएगा, कॉलेज के टाइम पे एक्सप्लोर कर सकते हो जितना करना है। बट अगर अभी आप स्कूल में हो कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ सोचने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी। हाँ, एज अ पैशन एज अ इंटरेस्ट या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, पर उसको सोच करके भाई इनकम का सोर्स बनाना ये सब करके तो बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना यार, वो चीज़ फिर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए डिप्रेसिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, मजे के लिए कर रहे हो स्टार्टिंग, तो फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कॉलेज वाले एरा में, तो उसको सीरियसली लेकर भी आप काम शुरू कर सकते हो सकता है आपका फ्यूचर इसमें बन जाए। तो यार आज आवाज का थोड़ा चला लेना वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कुछ काम शुरू हो गया अभी जैसे ही मैं शूट करने बैठी और इन लोगों ने कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया, क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता है और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं देख कर क्या हूँ, ठीक है। तो वीडियो में आज थोड़ा आवाज ऐसे होगा तो उसको काम चला लेना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? तो आपके बजट में जो है वही बेस्ट है, ठीक है, इतना किसी का सोच करके मत लिया करो। और एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर जिसको जो चल जाए उसके हिसाब से डिसाइड करो कि भाई इसमें अच्छा चल जाएगा और ले लो, इतना हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है। जब आप उस चीज से कमाने लगोगे, जब आपकी उससे अर्निंग होने लग जाएगी, तो वो सारा कुछ जोड़ जोड़ के और नया वाला लेना, तो उससे ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। अभी हम अर्निंग कर नहीं रहे तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यार मेरे पास काफी सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बात करनी है ये वो, तो मैंने सोचा हुआ है पहले से ही कि मतलब हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे या ऐसा कुछ सेमिनार वेबिनार टाइप का चीज करेंगे जिसमें कि लिमिटेड सीट्स रखेंगे थोड़ी बहुत और वन ऑन वन टॉक करेंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे ये सारे कुछ सेशंस कहना चाहिए एक तरीके से ले लेंगे, और आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस जो कि मैं देना चाहती हूँ, और आप लोगों के डाउट ऐसे बात करने में अलग हो जाता है ना, तो आप भी बोलो मैं भी बोलूँ, तो इस तरीके का कुछ करने का सोच रहे थे। तो अभी करेंगे, पर अभी मुझे खुद नहीं पता है कि हम कब करने वाले हैं, लेकिन जल्दी ही करेंगे, मतलब इस साल में एक बार तो हम वेबिनार लेके ही रहेंगे। शायद मैं जब घर जाऊंगी तो वहां पर मैं ट्राई करूंगी कि हम एक बार वेबिनार कंडक्ट करें, अभी यहाँ पर इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, बट मुझे तो अभी फिलहाल आ रही है और मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अभी तो यहाँ पर मुश्किल है, पर हम जब घर जाएंगे तब जरूर करेंगे। क्वेश्चन है कि आप 10th 12th में हो तो आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? तो यार 10th 12th में बहुत सारा पढ़ाई करना होता है और आप कोई भी स्किल सीख सकते हो यार, 2 साल काफ़ी हैं। आप कहना चाहिए आप सैटरडे संडे अगर 1 घंटा भी देते हो और सीखते हो या लेक्चर्स देख लेते हो थोड़े बहुत, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा, मतलब 2 साल में आप प्रो हो जाओगे। कोई भी स्किल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यही लेना है, ठीक है। और अगर 10th और 12th में हो तो आपके पास कहना चाहिए आप बहुत अच्छी हैवी स्किल्स भी सीख सकते हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, कोडिंग वगैरह होगी, तो आपको मज़ा भी आएगा। पर क्योंकि आपकी स्टडीज़ का ज़्यादा लोड रहता है, तो अगर माइंड फ्रेश के हिसाब से सीख रहे हो तो आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो यार, क्योंकि उसमें आपका उतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और आप पॉलिश भी हो जाओगे। आप बहुत सारी चीज़ें और भी सीख सकते हो, जैसे कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग सीखनी हो, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो, ठीक है। और UI UX डिज़ाइन जो होती है, मतलब जो एक वेब ऐप खुलेगा तो कैसे दिखेगा, कैसे क्या होगा, वो वाला जो डिज़ाइनिंग होती है वो भी आप सीख सकते हो। कोई भी एक टूल सीख सकते हो, मतलब आपके ऊपर है वो टोटल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, और 2 साल बहुत टाइम होता है, और आप हर मतलब हर वीक में सिर्फ एक दिन भी अगर टाइम दोगे तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। 2 साल बहुत होते हैं। यार कस्टम ऑफर का बहुत सारे लोगों ने पूछा है, यार कस्टम ऑफर में कुछ नहीं होता है, आप जो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हो जो कि आपके ऑलरेडी 3 पैकेजेस जो हैं उसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पैकेज है $5 का, दूसरा $10 का, तीसरा $15 का, ठीक है। तो 15 वाले में आप ट्रांजेक्शन ये वो सारा कुछ ऑफर करते हो, और आप जो है आपका मैक्सिमम आप 10 मिनट का वीडियो एडिट करके दोगे। अब अगर लेकिन किसी को आपसे आधे घंटे का वीडियो एडिट कराना है, ठीक है, तो क्या करेगा वो बंदा? आपको उसके हिसाब से पे करेगा, ठीक है। तो आपने सपोज करो आपने बोल दिया $100 मैं चार्ज लूंगा आधे घंटे की वीडियो के लिए, ठीक है। तो अब $100 का ऑर्डर तो आपके 3 पैकेजेस में तो है नहीं ना, तो आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे उसको कस्टम ऑफर में, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन होता है यार, आपको कंप्यूटर में लैपटॉप में मिलेगा अपना कस्टम ऑफर,
कस्टम ऑफर का ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करना और उससे जो है आप उसमें लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, आपको कितने दिन में आप डिलीवर करोगे, उसका प्राइस क्या है, वो सारा कुछ उसमें फिल इन दी ब्लैंक टाइप के स्पेसेस होते हैं उसमें फिल कर देना है और सेंड कर देना है, तो वो ऑफर जाके बायर को शो हो जाएगा और उसको वो एक्सेप्ट करेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। गूगल पे देखो, शायद होता है कुछ कि आपकी डिजाइन मैच कर जाए किसी से, तो या फिर आप गूगल स्कैनर का यूज कर सकते हो अपने डिजाइन को, देखो उससे रिलेटेड अगर इमेजेस आ रही हैं गूगल पे, या फिर आप देख सकते हो कि कॉपीराइट अगर किसी के पास होगा इसका ऑलरेडी, तो गूगल पे देख लेना यार, गूगल पे मिल जाएगा आपको। इसका भी मुझे इतना कुछ आइडिया है नहीं क्योंकि मैं लोगो डिजाइन करती नहीं हूँ। तो कैनवा से काफी अच्छा खासा अमाउंट कमाया जा सकता है और इसका अमाउंट की कोई हिसाब नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। एफिलिएट बन करके भी लोग कमा रहे हैं, डिजाइन बना करके भी लोग कमा रहे हैं, शेयर करके भी कमा रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। और एज ए बिगिनर कैनवा अच्छी चीज है, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा उसकी बेचारी की ऐसे एकदम वैल्यू गिरा दी है कि भाई, और खासकर जो लोगों को एडोबी वाली फैमिली ज्यादा प्यारी होती है ना, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह, तो कैनवा को कहीं देखते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है यार, जिसको जो अच्छा लगता है उसमें करो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डिजाइनिंग स्किल्स खराब है या कुछ खराब है, बस थोड़ा इजी पड़ता है कैनवा में और थोड़ा बाकी सब चीज़ों में थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसको सीखने में टाइम लगता है, कैनवा ऐसे सीख जाते हैं। मतलब 25 मिनट का ट्यूटोरियल तो मैंने ही दिया हुआ है जिसमें कि आपको पूरा कैनवा का स्क्रैच से बता दिया कि भाई कैसे क्या करते हैं, फिर बाकी फिर प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। यार स्कैम नहीं होता, एटलीस्ट फाइवर पे तो स्कैम नहीं होता। पेनियर और पेपल दो गेटवे हैं, दोनों के दोनों बहुत सेफ हैं और आप उसको यूज कर सकते हो। मैं पेनियर यूज कर रही हूँ, पहले पेपल करती थी, अभी पेनियर यूज कर रही हूँ, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिक्योर होते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, फाइवर पे तो एटलीस्ट सिक्योर है और पेनियर अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। पर ट्रांजेक्शन $3 चार्ज लगता है, $3 का चार्ज लगता है, आपका ट्रांजेक्शन फीस लगती है वो, ठीक है। और थोड़ा बहुत DDS और जो फाइवर की फीस है वो तो कटती है, तो कटती जाए, तो कुल मिला के बहुत सारा पैसा कट जाता है और फिर बहुत सारा मिल भी जाता है। यार ये वाले के लिए मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे भी, और हमने बहुत से बार डिस्कस किया है कि मैं कितना अर्न कर लेती हूँ, तो एक मंथ का जनवरी का मैंने अपना दिया हुआ है, तो आप वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। लगभग $1400 थे उसमें, तो उतना उस महीने की कमाई थी, और हर महीने फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एज अ फ्रीलांसर आपके ऊपर है, आप कितना टाइम दे पा रहे हो उतना ज़्यादा आप अर्न कर पाओगे, ठीक है, अगर आप स्टैब्लिश हो गए हो तो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि फ्रीलांसिंग और हमारा वर्क वगैरह सबका कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जल्दी। एज ए सोशल मीडिया मैनेजर ना, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, मतलब पूरा इसमें बताया हुआ है कैसे क्या करना है, इनिशियली कैसे स्टार्ट करना है। आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो वो देख लेना, उसके बाद आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि एक बार, मतलब बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते कैसे हैं और सोशल मीडिया मैनेजर बनते कैसे हैं। व्हाट इज योर मंथली इनकम एज अ फ्रीलांसर, जनवरी की मैंने बताई हुई है यार, तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा, वो देख लेना, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में हम ये वाले सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में बचे कुछ जितने क्वेश्चंस होंगे उनको भी लेंगे, फिर इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चंस भी लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर कर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।